अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं मिस रोज़ फ्लॉलेस सिल्क फाउंडेशन और ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस का। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रही इनकी आउटर पैकेजिंग। तो जिस तरह से मिस रोज़ के दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं बिल्कुल उसी तरह की इनकी आउटर पैकेजिंग है। ओके है, सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं मिस रोज़ की वेबसाइट पे, जहाँ पर आपको इनकी कीमत वगैरह मैं दिखा दूँ। अच्छा, जो लिप ग्लॉस है उसकी प्राइस है 237 रुपीज़, और जो सिल्क फाउंडेशन है उसकी प्राइस है 499 रुपीज़, यानी कि 500 आलमोस्ट। टोटल डिलीवरी चार्जेस लग के 935 रुपये बनते हैं। मैंने 1000 पे करा है इसके लिए। ठीक है जी, ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको इनके डिस्क्रिप्शन, हाउ टू अप्लाई, हर चीज़ यहाँ पे मेंशन मिल जाएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी इनर पैकेजिंग के हिसाब से। जिस तरह से मिस रोज़ की बीबी क्रीम है बिल्कुल उसी तरह की फाउंडेशन है ये, लेकिन ये थोड़ी सी इसमें चमक वगैरह लगाई हुई है क्योंकि ये न्यू लॉन्च है, तो थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है। अच्छा जी, मिस रोज़ वाले दावा करते हैं कि मिस रोज़ सिल्क फाउंडेशन एक वेटलेस और इनविजिबल फाउंडेशन है जो कि आपको मीडियम टू हाई कवरेज देती है, पीक मैट फिनिश देती है। इसके इस्तेमाल से स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, और ये फाउंडेशन फुल डे कवरेज देती है। तो मैंने भी इस्तेमाल की, सबसे पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज किया और उसके बाद जो है ना मैंने इस पे लगा लिया प्राइमर। प्राइमर लगाने के बाद फिर मैंने सोचा कि जब तक प्राइमर सेट हो तब तक मैंने मेहंदी लगाई थी, तो मेहंदी के ऊपर मैंने इसको लगाया। अच्छा, एक दफ़ा के इस्तेमाल से जो है ना ये फुल कवरेज आपको नहीं देगी। अगर आप इसको दूसरी दफ़ा इस्तेमाल करोगे, यानी कि दूसरी लेयर अगर अप्लाई करोगे, तो ये आपको 100% फुल कवरेज दे देती है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके वो इस्तेमाल करने पर। तो जिस तरह से इनकी डिस्क्रिप्शन थी इनकी वेबसाइट पर मौजूद, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इसको अपनी स्किन पर लगाया, और इस पर लिखा हुआ था कि आप इसको स्पंज की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो और आप इसको ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। अच्छा, बात की जाए ब्लेंडिंग की, तो बहुत ही स्मूथली जो है ना ये स्किन पर ब्लेंड हो गई थी और थोड़ी सी इसकी कवरेज हाई थी। वैसे मेरा शेड जो है ना वो बैच 4 है, लेकिन मैंने फेयर ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे मिला आइवरी 6। इसके टोटल 6 शेड है, बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4, आइवरी 6 और फेयर। अच्छा जी, मुझे जो कवरेज मिली बहुत ही अच्छी मिली। मैंने सिर्फ टिंट लगाकर अपने गालों को सेट कर लिया, थोड़ा सा मस्कारा लगा लिया, आईब्रो को सेट किया, और उसके बाद जो है आ जाते हैं इसके लिप ग्लॉस के बारे में। मैट लिपस्टिक लगाने के बाद मैंने इनकी जो लिप ग्लॉस है ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस लगाया। इतना कोई उम्दा प्रोडक्ट है इनका ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ही खूबसूरत जो है ना, खूबसूरत से भी खूबसूरत कवरेज देता है, और जो है ना पता भी नहीं चलता कि यार कोई लिप ग्लॉस या कुछ और लगाया है लिपस्टिक के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत जो है ना ग्लो देता है, जैसे कि इनकी सिल्क फाउंडेशन है। अच्छा, दो दफ़ा लगाने के बाद आपको हाई कवरेज मिलेगी। लिप ग्लॉस जो है आपको एक ही दफ़ा में जो है ना उम्दा रिज़ल्ट देना शुरू कर देगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, ये आप करीब से भी देख सकते हैं स्किन, कोई भी इसमें जो है ना केकी नहीं हुई, फ्लैकी नहीं हुई, बहुत ही स्मूथली इवन टोन कर देती है स्किन को, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। मिस रोज़ जो है ना वाहिद ब्रांड है जो आपको लोकल मार्केट में और ऑनलाइन मार्केट में ईज़िली मिल जाएगी। इनके प्रोडक्ट्स की रेंज जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आपको इसका कुछ डुप्लीकेट भी नहीं मिलेगा। मैंने हल्का सा जो है लुक की क्रिएट किया था, लुक इस पर लिखा हुआ था कि एवरीडे मेकअप के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये एवरीडे मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। जैसे कि आप ऑफिस गोइंग हो गए या कॉलेज गोइंग हो गए, यूनिवर्सिटी गोइंग हो गए, तो उसके खैर अब तो कॉलेज की लड़कियाँ भी करती हैं मेकअप, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है। अच्छा, ट्रांसफ़र प्रूफ है, हो जाती है थोड़ी सी, यानी कि हुई थी लेकिन हाथ से नहीं, उंगली से हो रही थी। मैं अगर बात करूँ अपने ओपिनियन की, तो 500 रुपये में अगर ये प्रोडक्ट आपको मिल रहा है तो और क्या चाहिए। मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। अगर आप किसी मीडियम रेंज के फाउंडेशन पे
पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो गो फॉर इट, आप इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा जो है ना इसका रिज़ल्ट है। फुल डे कवरेज नहीं तो कम से कम आपको 12 से 15 घंटे की कवरेज ये ज़रूर देगा। मिस रोज़ के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो है ना जल्दी ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये जो है 12 घंटे 13 घंटे के बाद ऑक्सीडाइज होना शुरू हुआ था, तो ओवरऑल बेस्ट है, अच्छा है, आप ले सकते हैं। अगर डेली बेसिस पे आप मेकअप करते हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मुझे बहुत ज़्यादा समझ आई। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को जो है ना सब्सक्राइब, वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग मेरा इंस्टा